लगातार देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे तारतम्य में विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर कार्यालय पर गुरुवार को शिवसेना द्वारा महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांगे नहीं मानने पर भोपाल विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। शिवसेना जिला प्रभारी लखन शर्मा ने ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुमत हासिल नहीं किया, उन्होंने अनैतिक कार्य के चलते मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल की है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता पर भाजपा सरकार अपना क्रोध रूपी हंटर चला रही है। मध्य प्रदेश में एक साल में करीब 61 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार अधिक वेट वसूल रही है। शिवसेना ने आने वाले चुनाव में जनता से अपील की है कि वह नोटा का बटन दबाए। वहीं लगातार महंगाई बढ़ने से महिला भी परेशान हो रही है। शिवसेना कार्यकर्ता सपना दीवान ने कहा कि महंगाई के चलते घर का रसोई का बजट बिगड़ गया है और लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं शिवसेना के मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता सरकार सोई हुई है और उन्हें जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के चलते ट्रांसपोर्ट में भी वृद्धि होती है, जिसके चलते सभी वस्तुओं के दाम में वृद्धि होना शोभा एक बात है। शिवसेना के चुनाव प्रभारी सुरेश गुर्जर ने बताया कि सरकार अगर मूल्य वृद्धि को रोकने के बारे में अगर विचार नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में शिवसेना के कार्यकर्ता भोपाल में पहुंचकर विधानसभा का घेराव भी करेगा। ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमने महंगाई को, जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और तेजी से ग्रोथ कर रही है, लोग परेशान हैं, उस बात को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। हमने जो डीजल और पेट्रोल के जो भाव जिस तेज़ी से बढ़ते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा है कि हर 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 61 बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। और डीजल और पेट्रोल के जब भाव बढ़ते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और सभी चीज़ महंगी हो जाती है। एक साल से कोविड से, कोरोना से परेशान जनता अपने घर में रही है, बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियाँ चली गई है, खाने की त्राही त्राही मची हुई है, लोन जिन लोगों ने लिया किस्तें भर रहे हैं, नौकरियां चली गई है और सब लोग परेशान हो चुके हैं। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल सोई हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ एक ही मतलब है कि सत्ता चाहिए। एन केन प्रकरण उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को अपने मिला के और जिस तरीके से सत्ता हासिल की है, उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। गरीबों के साथ क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में कोई सोच विचार उनका नहीं है। आज शिवसेना ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, हमने सभी जिले के अंदर ये महंगाई को लेके ये ज्ञापन हमने सौंपा है और इसी तरह अगर सुनवाई नहीं हुई तो पूरा मध्य प्रदेश भोपाल को विधानसभा का घेराव करेगा। क्या नाम आपका? सुरेश गुजर, मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी। ये बताएं भाई साहब, क्या जो जिस प्रकार से विरोध किया गया है इसमें आगे क्या गतिविधि है? आज मध्य प्रदेश सरकार जो है वर्तमान में, इनका आधिकारिक तौर पर जनता ने इनको ये बहुमत नहीं दिया था, लेकिन इनके अनैतिक व्यवहार के कारण, जिस प्रकार से अराजनीतिक व्यवहार के कारण इनके कार्रवाई से मध्य प्रदेश की सत्ता इन्होंने हासिल की है, उसके बाद में इन्होंने अपना क्रोध रूपी अंटर आम जनता पर चलाना चालू किया। अब जनता को सरेआम मार नहीं सकते, उसका तरीका उन्होंने सही निकाला है कि प्रदेश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ा तो जनता त्राही त्राही कर जाए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने साल में 61 बार पेट्रोल डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज 39 रुपये कुछ पैसे से हमारे पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल आप या मैं खरीदते हैं, आम जनता खरीदती है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार को जाते हैं। डीजल खरीदते हैं उस पर 33 रुपये तकरीबन मध्य प्रदेश सरकार को जाते हैं। गैस में भी मतलब अभूतपूर्व कीमतें इन्होंने बढ़ाई है, 365 रुपये हमने गैस खरीदी थी, आज इस सप्ताह में आने के बाद में जगह दिन ब दिन बढ़ता है, 872 रुपये की हमको गैस की टंकी हमारे घर पर पड़ रही है। यानी कुल मिला के इनकी एक ही सोच के मध्य प्रदेश की जनता को इतना त्राही त्राही कर दो कि अगली बार ये डूब के, महंगाई और कर्जे के अंदर डूब के ये मध्य प्रदेश की जनता इनको या तो जूते मारे और या फिर चुपचाप अपना नोटा पे बटन दबा दें, इनसे दूर जाए। इनके कुछ इनके चमचे हैं, इनके शागिर्द हैं, वो वोट देंगे, इससे सत्ता में फिर हासिल इनको सत्ता हासिल हो जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते आम जनता की सुनवाई करना। आम जनता लगातार हर मुद्दे पर इनसे आवाज़ उठा रही है, जिसको लापरवाह बन के हर समय मतलब अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी निष्कर्ष निकलना चाहिए। मैं पंडित महेश शर्मा लखन, शिवसेना जिला को, इंदौर, और मेरे सभी साथी।
आज आपने ज्ञापन दिया किस उद्देश्य से दिया और काहे के लिए ज्ञापन दिया? ये महंगाई के विरोध हमने ज्ञापन दिया है शिवराज सरकार को और मोदी जी को। हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई अब रोकी जाए। गरीबों पे जो आंदोलन इस तरह से करा जा रहा है, अभी तो हमने ज्ञापन दिया है। बड़े तौर पे हम महिलाएं क्योंकि अब त्रस्त हो चुकी हैंगी, घर की स्थिति हम महिलाओं को देखना पड़ती है, बहुत परेशान हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब जो हो गया रोड डेली का, कभी पेट्रोल तो कभी टंकी, तो कहाँ तक हम करें? एक आम इंसान की हालत ये हो गई कि वो आत्महत्या करने पर तैयार रहेगा। हम शिवराज सरकार को यही कहना चाहते हैं कि होश में आ जाओ। अब बहुत आप लोगों ने महंगाई बढ़ा ली है, आप आम जनता को भी देखो तो ज़्यादा बेटर। जी, सपना दीवान है।